नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने पार्टी पर नफरत फैलाने, उनकी छवि को धूमिल करने और राज्य में नकारात्मक माहौल बनाने का आरोप लगाया है। सोरेन ने चुनाव आयोग से इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए सवाल किया कि क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की छूट मिली हुई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और शेडो कैंपेन के जरिए झारखंड में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश कर रही है। सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल किया, क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की छूट मिल गई है? चुनाव आयोग क्यों चुप है जब नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जा रहे? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं को गुमराह करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और कोचिंग माफिया का समर्थन कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल झूठ फैलाना और परीक्षा प्रक्रियाओं को भटकाना है। उन्होंने कहा, भाजपा दूसरे राज्यों से लोगों को झारखंड मिलाकर यहां नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर शेडो कैंपेन के जरिए उनकी छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है। सोरेन ने दलित सॉलिडरिटी फोरम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा झूठ और नफरत की शोरूम बन गई है। बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने एक रिपोर्ट भी शेयर की। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2,25,00,000 रुपए से अधिक खर्च हुए। इस खर्च का लगभग आधा हिस्सा भाजपा के आधिकारिक पेज का है, जिसने 97.09 लाख रुपए खर्च कर 3,080 से अधिक विज्ञापनों के माध्यम से 10 करोड़ इम्प्रेशंस प्राप्त किए। झारखंड भाजपा का आधिकारिक पेज सरकारी कार्यक्रमों पर केंद्रित विज्ञापन चला रहा है। वहीं शेडो अकाउंट्स का एक नेटवर्क विभाजनकारी और भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार कर रहा है। ऐसे 87 पेजों की पहचान की गई है जो भाजपा के पक्ष में सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से विज्ञापन चला रहे हैं। इन शेडो अकाउंट्स ने पिछले 3 महीनों में 81.03 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो भाजपा झारखंड पेज के खर्च के लगभग बराबर हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा द्वारा की जा रही नफरत फैलाने और छवि धूमिल करने की साजिश को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया है और चुनाव आयोग से इस पर तत्काल कार्यवाही की अपील की है। सोरेन ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा के इस तरह के गैर कानूनी और अनैतिक प्रचार अभियानों से राज्य में सामाजिक तनाव और विभाजन फैलने का खतरा है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस गंभीर मुद्दे पर कब और क्या कदम उठाता है, ताकि लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बचाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।